हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा टॉप 24 क्वेश्चन जो हर रोज़ आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। ठीक है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकणी। ठीक है, कोंकणी गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नांग पहाड़ पर। ठीक है, नांग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले एक नोटबुक बना लेना है, और जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ उन्हें आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जब आपका एग्ज़ाम होगा आप देख लेंगे उस नोटबुक को, तो आप देख सकते हैं कि आपका लेवल कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वास्को डी गामा कलिकट कब पहुँचा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कलिकट पहुँचा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। ठीक है, पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है पंडवानी, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट था आपका फ्रांस का निवासी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ठीक है, 1950 ईस्वी में वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी के लिए। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 में। ठीक है, अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा वर्णित है बच्चों के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जगजीवन राम की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जगजीवन राम की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता स्थल पर। ठीक है, समता स्थल में जगजीवन राम की समाधि स्थल स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भागों में। ठीक है, भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कितनी उम्र में सम्राट बना था। अकबर कितनी उम्र में सम्राट बना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 14 वर्ष की अवस्था में अकबर सम्राट बना था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे एडनबर्ग नहीं है, हिडनबर्ग है। ठीक है, हिडनबर्ग रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड एवं जर्मनी के बीच में। ठीक है, पोलैंड एवं जर्मनी के बीच में स्थित है हिडनबर्ग रेखा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा है? साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का। ठीक है, लाला लाजपत राय का नारा है साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई में स्थित है भारत का प्रथम तेल क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर में स्थित है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल है आपका गुलाब का फूल। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल है गुलाब का फूल, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो गोल्फ से है। ठीक है, टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ से, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हैं तो आप ज़रूर उसे फॉलो करके ज्वाइन हो जाइए। उसमें रोज़ आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपके जीएस लेवल में और कुछ और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।